गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ पटेल दीक्षिता फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय किला पारडी। फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। Then we discuss about heart. In the last lecture, we are discuss about shape of heart, function of heart and structure of heart. So today we are move to the next topic. It is heart beat. So friends, we all know that our heart is continuously pumping. Okay, तो हमारा heart continuously pumping करता है। तो आपने सुना होगा कि जब एकदम शांत एटमॉस्फेयर होता है तो आपने आपकी हार्ट बीट सुनी होगी। ओके, एंड जब आप आपके हार्ट के पास हाथ रखोगे तो आपको क्लियरली फील होगा आपकी हार्ट बीट। द वॉल्स ऑफ द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। सो हार्ट की जो वॉल है वो किसकी बनी होती है? मसल की। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदेमिकली। दीज रिदेमिक कंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट अ हार्ट बीट। सो वो एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है। ओके, तो ये हार्ट की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इस तरह से उसका जो मूवमेंट होता है वो रिदमिकली होते हैं। ओके, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू फील योर हार्ट बीट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप आपके हार्ट के पास अपना हाथ रखोगे तो आप अपनी हार्ट बीट सुन सकते हो। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ स्टेटोस्कोप। सो डॉक्टर आपकी हार्ट बीट किससे सुनते हैं? स्टेटोस्कोप से। फ्रेंड्स, आप सबने स्टेटोस्कोप देखा होगा। लुक एट हियर, इट इज स्टेटोस्कोप। ओके, जिसमें एक राउंड शेप होता है जिसे बोलते हैं चेस्ट पीस, एंड इस टाइप की एक रबर ट्यूब होती है एंड इट इज ईयर पीस। ओके, सो ईयर पीस को ईयर में डालते हैं, देन रबर ट्यूब से मूवमेंट होता है एंड ये चेस्ट पीस आपके चेस्ट के पास रख के डॉक्टर क्या करते हैं? आपकी हार्ट बीट फील करते हैं। और डॉक्टर यूज द स्टेटोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। सो डॉक्टर क्या करते हैं? हार्ट का साउंड चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? स्टेटोस्कोप का। इट कंसाइट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायग्राम टू ईयर पीस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट्स। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेटोस्कोप। लेट अस कॉन्ट्रैक्ट अ मॉडल ऑफ स्टेटोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। सो अब हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम स्टेटोस्कोप बना सके। ओके, हमारे आसपास जो भी सिंपल मटेरियल है उससे हम क्या बनाएंगे? स्टेटोस्कोप। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है? एक स्मॉल फनल लेने हैं एंड उसे क्या करना है? एक रबर ट्यूब से फिक्स करना है। देन एक बलून की जो रबर सीट होती है उसे लेना है एंड फनेल के माउथ पे आप देख सकते हो इस तरह से टाइट बांध देना है एंड आपके ईयर के पास वो ट्यूब, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है वो ट्यूब आपके ईयर के पास रखनी है एंड वो जो फनेल है वो फनेल कहाँ पे रखनी है? आपके हार्ट के पास। ओके, सो आप क्लियरली आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी आपको, आप फील कर सकोगे एंड आपकी हार्ट बीट आपको क्लियरली सुनाई देगी। नाउ लुक एट हियर, हार्ट बीट एंड पल्सिस रेट। सो आपको क्या करना है? आपके आपके फैमिली मेंबर के नाम यहाँ पे लिखने हैं। देन अब जब रेस्ट कर रहे हो तब आपके हार्ट बीट एंड पल्सिस रेट आपको काउंट करके यहाँ पे लिखने हैं एंड आफ्टर
4 और 5 मिनट्स रनिंग आपको आपके हार्ट बीट एंड पल्सिस नोट डाउन यहाँ पे करने हैं। नाउ द माउथ ऑफ द फनेल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड? द साउंड इज दैट ऑफ योर हार्ट बीट। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनिट? सो आपको क्या करना है, वो फनेल आपने चेस्ट के पास रखी तो वो फनेल 1 मिनट में कितनी बार उसने बीट किया वो आपको क्या करना है, सुनना है। ओके, एंड काउंट अगेन आफ्टर रनिंग 4 और 5 मिनट्स। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लिखना है, उस टेबल में लिखना है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट योर फ्रेंड्स व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल नंबर 11.2। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्सिस रेट? Each heartbeat generates one pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of heartbeat. So, per minute जो pulse rate होता है तो वो heartbeat indicate करता है. The rhythmic beating on the various chamber of the heart maintains circulation of blood and transport of substance to the different parts of the body. सो कंटिन्यूअसली हमारा हार्ट क्या करता है, रिदमिक बीटिंग करता है। ओके, वो बीट करता है एंड उससे हमारा ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एंड उसी के साथ हमारे बॉडी में जो भी सब्सटेंस चाहिए वो ब्लड के साथ क्या होते हैं, सर्कुलेट होते हैं। बुजो वंडर्स इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा हैव ऑल्सो हैव ब्लड। Animals such as sponges and hydra do not process any circulatory system. The water in which they live bring food and oxygen as it enters and their bodies. The water carries away waste material and carbon dioxide as it moves out. Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. Let us how learn about the removal of water waste other than carbon dioxide. So, hydra and sponges. Friends, हम सबने hydra and sponges के बारे में discuss किया ही था। तो hydra and sponges जो है उसमें क्या होता है, circulatory system नहीं होता, because वो क्या कर देते हैं, अपने body में से पूरा water ही waste material के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वो क्या करती है, वाटर के साथ ही उसका पूरा वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देती है। ओके, नाउ लुक एट हियर। द इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द करंट ओपिनियन इन दोज डे वॉज दैट ब्लड oscillates in the vessels of the body. For his views, Harvey was ridiculed and was called circulator. He lost most of his patients. However, before he died, Harvey's idea about circulation was generally accepted and a biological fact. So, ये blood circulation को discovered किसने किया था? English physician विलियम हार्वे ने। ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एंड उन्होंने रिडिस्यूट किया था और उसे नाम क्या दिया था, सर्क्यूलेटर। ओके, क्लियर दैट। एंड उनकी जब डेथ हो गई तो उनके बाद ये जनरली एक्सेप्ट कर लिया गया। नाउ फ्रेंड्स, वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज एक्सक्रेशन इन एनिमल्स। सो फ्रेंड्स, हमने सर्कुलेशन तो देखा। ओके, नाउ वी मूव टू द एक्सक्रेशन। ओके, हमारी बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे रिमूव होते हैं, उसे बोलते हैं एक्सक्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सक्रेशन। सो एक्सहेलेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में रहता है तो उसे लंग्स किस तरह से
बाहर निकालते हैं बॉडी के। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव ड्यूरिंग इजेशन। सो इजेशन एक्सहेलेशन में क्या होता है, वेस्टेड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिमूव हो जाता है, एंड इजेशन में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, बाहर रिमूव हो जाता है। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यू मे वंडर वेयर दिस अनवांटेड मटेरियल कम फ्रॉम। सो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में से दूसरे जो वेस्ट मटेरियल है वो कैसे रिलीज होते हैं, बट उससे पहले आपको वंडर्ड लगेगा कि ये जो अनवांटेड मटेरियल है वो आते कहाँ से है। व्हेन योर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज। दीज आर टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सो हमारी सेल्स जब अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं, मींस अलग अलग वर्क करते हैं, तो उसमें से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, तो उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रिमूव करते हैं, उसे रिड्यूस करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रेशन फ्रॉम द एक्सेलेटरी सिस्टम। सो एक्सेलेटरी सिस्टम में बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व है, ओके। सो जो पार्ट्स इन्वॉल्व है एक्सक्रेशन में, उसे क्या बोलते हैं, एक्सेलेटरी सिस्टम। जैसे कि हमने देखा हमारा डाइजेशन सिस्टम, तो डाइजेशन सिस्टम में भी बहुत सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है, ओके। सो उसी तरह एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी बहुत सारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द वेस्ट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। सो हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट होता है, तो वो बॉडी से रिमूव कैसे होता है, हाउ कैन दिस इज डन, तो ये कैसे डन होता है। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। सो ये जो फंक्शन है वो बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, बिकॉज जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे ब्लड से कैसे रिमूव होंगे, तो ये उसके लिए क्या जरूरी है, ब्लड का फिल्टर होना। तो ब्लड कैसे फिल्टर होता है, किडनी में जो ब्लड कैपिलरीज आई होती है उससे ब्लड फिल्टर होता है। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि ब्लड कहाँ फिल्टर होता है, तो ब्लड कहाँ फिल्टर होता है, यस, ब्लड किडनी में फिल्टर होता है, हार्ट में फिल्टर नहीं होता, ओके। हार्ट तो ऑनली क्या करता है, पंपिंग करता है, ओके। ब्लड कहाँ फिल्टर होता है, किडनीज में, ओके। व्हेन द ब्लड रीचेस द टू किडनीज, इट कंटेन्स बोथ ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, द वेस्ट डिसॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। सो हमारी किडनी में ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन, ओके। एंड फिल्टर होके क्या होता है, ब्लड में दोनों सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं एंड हार्मफुल सब्सटेंस भी होते हैं। तो ये यूजफुल सब्सटेंस जो है वो वापस ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। एंड जो वेस्ट सब्सटेंस है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, जो कि एज अ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इन टू द यूरिनरी ब्लेडर थ्रो ट्यूब लाइक यूरेटर्स। सो हमारी किडनीज में से, लुक एट हियर, इट इज ओवर किडनी, ओके। सो किडनी में से जो ब्लड फिल्टर होता है वो वापस बॉडी में जाता है, एंड जो अनयूजफुल सब्सटेंस जो कि वाटर के साथ मिक्स हुए है, तो वो सब्सटेंस किडनी में से, इट इज यूरेटर मीन्स ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर। सो ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर में से, यूरेटर में से, वो कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लेडर, जिसे मूत्राशय बोलते हैं, ओके। सो यूरिनरी ब्लेडर में आता है, वहां पे क्या होता है, वो स्टोर होता है, एंड यहां से यूरेथ्रा से वो बाहर निकल जाता है, ओके। सो इट इज ओवर एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, किडनी,
यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। क्लियर दैट? सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। इट इज स्टोर इन द ब्लेडर एंड इज पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ अ मसलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि वो यूरिनरी ब्लेडर में स्टोर होता है, एंड ये जो ओपनिंग है, यूरिनरी ओपनिंग जो कि मसल का बना होता है, ये यूरेथ्रा से वो पास होके बाहर निकल जाता है। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लेडर एंड यूरेथ्रा फ्रॉम द एक्सक्रेटरी सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, ये जो है वो क्या है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, और एक्सक्रेटरी सिस्टम। एन एडल्ट ह्यूमन बींग नॉर्मली पास थ्रू 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। द यूरिन कंसिस्ट्स ऑफ 95% वाटर एंड 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट। सो हमारे यूरिन में क्या होता है, 95% वाटर होता है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, एंड ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। तो हमारी बॉडी में मीन्स जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन है वो 1 to 1.8 लीटर यूरिन क्या करता है, पास आउट करता है। एंड यूरिन में हाउ मच वाटर, 95% एंड 2.95% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वीट ऑन अ हॉट समर डे। द स्वीट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। सो हमें गर्मी के सीजन में स्वीट, स्वीट मीन्स पसीना, पसीना होता है। ओके, तो उसमें क्या होता है, वाटर एंड सॉल्ट। बुजो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म ऑन ओवर क्लोथ्स, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाई सॉल्ट प्रेजेंट इन द स्वीट। सो हमारी जब हमने ब्लैक या डार्क कलर का शर्ट पहना होता है, तो हम देखते हैं कि हमारे जो अंडर आर्म्स के पास जो स्वेट होता है, तो वो स्वेट क्या होता है, ड्राई हो जाने के बाद हम देखते हैं तो वहां पे सॉल्टी मीन्स व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं। ओके, तो वो हमें मार्क करते हैं, बताते हैं कि स्वेट में सॉल्ट होता है। क्लियर दैट? द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट मीन्स मटका इज कूलर। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच काउजिंग कूलिंग। तो हमारे स्वेट का फंक्शन क्या है, बिकॉज ये जो पोर्स से, हमारी बॉडी के पोर्स से जो भी वाटर रिलीज होता है, तो वो हमारी बॉडी को क्या रखता है, कूल रखता है। ओके, सो पहली वॉन्ट्स टू नो वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। सो पहली जानना चाहती है, थिंक करती है कि दूसरे एनिमल्स में भी यूरिनेट होता है। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेबिलिटी ऑफ वाटर। इक्वली एक्वेलिक एनिमल्स लाइक फिशीज एक्सक्रेट सेल वेस्ट एज एमोनिया विच डायरेक्टली डिजोल्व इन वाटर। सम लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स एक्सक्रेट अ सेमी सॉलिड व्हाइट कलर्ड कंपाउंड मीन्स जिसे बोलते हैं यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन इज यूरिया। सो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह से ये वेस्ट बाहर निकलता है। ओके, जो एक्वेलिक एनिमल है जो कि वाटर में रहते हैं लाइक फिशीज एंड बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, तो वो क्या करते हैं, वेस्टीज में क्या निकालते हैं, वो डायरेक्टली वाटर में वेस्ट निकालते हैं, तो उसे एज अ एमोनिया। ओके, एमोनिया के तौर पे वो वेस्ट को वाटर में डिजोल्व करके निकाल देते हैं। एंड आपने देखा होगा कि लिजर्ट, अब बहुत सारे घर में लिजर्ट होती है, ओके, छिपकली जिसे बोलते हैं, तो वो जब छिपकली जब एक्सक्रेशन करती है, तो क्या होता है कि
उसका जो एक्सक्रेट करती है वो सेमी सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का आपने देखा होगा, तो वो क्या होता है, यूरिक एसिड। सो बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स ये यूरिन नहीं निकालते, वो एक सेमी सॉलिड कंपाउंड निकालते हैं जो कि व्हाइट कलर का होता है एंड यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया, एंड हमारी बॉडी में क्या बाहर निकलता है, यूरिया। ओके क्लियर दैट। सो एक्वेलिक एनिमल में क्या निकलता है, एमोनिया। देन बर्ड्स, लिजर्ड एंड स्नेक्स में क्या निकलता है, सेमी सॉलिड कंपाउंड, मीन्स उसे क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड, एंड ह्यूमंस में यूरिया। क्लियर दैट। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड पीरियडिकली थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी। दिस प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। सो आपने देखा होगा कि कोई भी इन्फेक्शन या इंजरी की वजह से कोई कोई ह्यूमंस में किडनी फेल हो जाती है, एंड किडनी फेल होने की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में ही क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ओके, एंड ब्लड फिल्टर नहीं होता जिसकी वजह से वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता, तो उसे बाहर से ब्लड फिल्टर करने की जरूरत पड़ती है। मीन्स उसे आर्टिफिशियल किडनी, मीन्स उसका ब्लड आर्टिफिशियली फिल्टर किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या होता है, आर्टिफिशियली मीन्स ब्लड को बाहर निकाल के उसे फिल्टर करके एक साइड से ब्लड अंदर जाता है। क्लियर दैट। सिमिलरली व्हेन वी स्वीट इट हेल्प्स टू कूल ओवर बॉडी। सो हमारी बॉडी में भी जब हम स्वीट करते हैं, हमारी बॉडी जब स्वीट करती है, पसीना बाहर निकालती है, तो वो हमारी बॉडी को कूल रखता है। क्लियर दैट। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज टॉपिक, एक्सक्रेशन इन एनिमल्स मीन्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। थैंक यू।